मुरैना जिले के कलेक्टर एवं एसपी ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। अम्बा खोरसा दिमनी अंचल के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं व उनके पालकों का सम्मान कलेक्टर प्रियंका दास व एसपी डॉक्टर आसिद यादव के द्वारा किया गया। कलेक्टर प्रियंका दास व एसपी आसिद यादव ने बच्चों के बीच बैठकर अनुभव बांटे और अपने उद्बोधन में एसपी आसिद यादव ने कहा, मुरैना के अम्बा में बच्चों और माता पिता के साथ पहला संवाद है। मुझे बहुत खुशी है कि होनहार बच्चे व उनके पेरेंट्स का यह हौसला मिला। इन्हें देखते हुए मुझे अपने माता पिता की याद आ गई। हम जब पढ़ाई के लिए 4 बजे उठते थे तो माता पिता 3:30 बजे ही उठ जाते थे। अपने बच्चों को होनहार बनाने के लिए बच्चों से ज्यादा मेहनत करते हैं। अपने पूरे करियर को बच्चों के प्रति त्याग दिया, उन्हें कभी नहीं भूलिएगा। वहीं कलेक्टर प्रियंका दास जी ने कहा कि अभी आपने हाई स्कूल व इंटर में अच्छे मार्क्स लाए हो, अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता में असफलता का भी सामना करना पड़ेगा, परंतु अपना धैर्य नहीं खोना, आत्मबल बनाए रखना। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम अपने उन होनहार बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने साल भर परिश्रम करके अपना टैलेंट दिखाया है। क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना आसान नहीं रह गया है। बहुत कंपटीशन है, सभी को बढ़ना पड़ता है। और खास करके जब हम मुरैना की बात करते हैं तो मुरैना और एग्जाम्स अगर हम साथ में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक कलंक छुपा रहता है। क्योंकि यहाँ से बहुत नकल होते हैं, सब लोग समझते हैं कि बच्चे बिना पढ़े डिग्री हासिल कर लेते हैं। उसी जगह के अगर मेहनती बच्चे अपने दम पर अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कलंक को दूर करने का काम आप सब मिलकर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम 4 बजे उठते थे तो हमारी जो माता जी पिताजी 3:30 बजे उठते थे, हम 5 बजे उठते थे, वो 4 बजे उठते थे। और मुझे लगता है कि आपके माता पिता भी ऐसे ही उठते रहोगे। तो मैं तो आप जितने भी बच्चे उनसे बोलूंगा, जब कभी सफल हो जाओ तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने माता जी पिताजी जिन्होंने आपके भविष्य में अपना समय दिया, अपना त्याग दिया, अपने शरीर को कह झेले, उनको मत भूलिएगा।